नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, सब हो गया, अब जो है बारी आती है कट ऑफ की। तो फ्रेंड्स घबराइए मत, कट ऑफ जो इस बार ज़्यादा नहीं जाएगी, ये 99% आप लिख लीजिए, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। हाँ 1% हो सकता है ज़्यादा जाए, लेकिन नहीं जाएगी, ये 100% हो सकता है कि नहीं जाएगी। अब टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ कम ही रहेगी, अगली बार जुलाई 2018 से कम ही रहेगी। ये जो जिन लोगों ने परीक्षा दिया और ऐसा सर्वे के अनुसार मैंने देखा जो है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, उसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए जैसे अगली बार जो है, चलिए देखते हैं कट ऑफ क्या अनुमान रहेगा। एक अगली बार जो है जनरल का जो है जेआरएफ के लिए 56% कट ऑफ गई थी, 56%, और नेट के लिए गई थी 50%। तो इस बार देखिए जनरल का जो है 53.50 यानी 53.50% का अनुमान है जो है, यही इतना परसेंट जाएगा, लगभग सही भी लग रहा है। अब देखिए जो है रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। और नेट के लिए जो है 49% इस हिसाब से। और देखिए ओबीसी की जो है जुलाई 2018 में 54% गई थी और नेट के लिए 46% गई थी। अब देखिए ओबीसी की इस बार जो है 51.50% 51.50% यही आसपास रहेगी, और इधर जो है 43.80 43.80 तक ही इसका अनुमान है रहने का नेट के लिए। और एससी के लिए गई थी 50% और नेट के लिए 43%। तो इस बार जो है एससी की जो है जाने की उम्मीद है 48% और इधर नेट के लिए 41.50% यही अनुमान है। और एसटी की गई थी अगली बार 50% और नेट के लिए 43%। तो फ्रेंड्स इस बार जो है एसटी की लगभग 47% पे ही जेआरएफ होगा ऐसा अनुमान है, और 41.84% ये जो है इसका अनुमान है इतना रहे। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है अगली बार 49% गई थी और नेट के लिए जो है 40% गया था। इस बार पीडब्ल्यूडी के लिए मेरिट तो कम रहेगी, 46% भी जेआरएफ रहेगा और नेट के लिए लगभग 39.38% 39.38% तक ही उम्मीद है कि इतना रहे जो है। इस हिसाब से जो है देखा जाए तो कट ऑफ कम ही जाएगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि प्लस एक या इससे भी माइनस एक परसेंट हो सकता है, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं जो है। और इसमें घबराने कोई बात नहीं है, बहुत लोग जो है पूछ रहे हैं कि सर ज़्यादा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग घबराइए मत, जो है कुछ नहीं जाएगी। और हाँ हमारा जो है ऑनलाइन रेगुलर वीडियो क्लास जो है हिस्ट्री के लिए 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए जो है। और इसी चैनल tribhuvanbharatiya.com पे आप जो है, और उसके बाद मॉक टेस्ट लॉन्च किया जाएगा। हाँ मॉक टेस्ट में जरूर अपीयर होइए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है पहले तो हमारी टीम द्वारा फर्स्ट पेपर कराया गया था एजुकेशन का, हिस्ट्री का नहीं हो पाया था उस समय, लेकिन हाँ इस बार से हिस्ट्री का भी होगा और सब्जेक्ट का होगा, तो इसलिए जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत फायदेमंद होगा, आप जेआरएफ पाने में बहुत आसानी रहेगी अगर आप मॉक टेस्ट किए हुए हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।